एक चीज़ का डर तुम सबको रहता है, मेरे पास क्योंकि कमेंट आते हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि भैया उसने 1 साल तैयारी करी है, उसने 5 साल तैयारी करी, उसने 10 साल तैयारी करी है और हम तैयारी शुरू करें तो मेरा क्या ही होगा। तुम जितने भी टॉपर उठा के देख लो, उन्होंने ज़्यादातर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इससे ऊपर तैयारी नहीं करी है। हमेशा जो जो कम टाइम में एग्ज़ाम निकलते हैं ना, वही टॉपर निकालते हैं। क्यों? कम टाइम में एग्ज़ाम निकालने का रीज़न क्या है, क्या सीक्रेट है? यहाँ पे सीक्रेट बस एक ही काम करता है कि अगर तुम कम टाइम पे एग्ज़ाम निकाल ले, उसका मतलब तुम कर रहे हो स्मार्ट स्टडी। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मेहनत नहीं करनी, उसमें मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत कम समय के लिए करनी है। सालों साल, 10 साल 20 साल उसमें मेहनत नहीं करनी है, उसमें कम टाइम के लिए मेहनत करनी है, लेकिन हाँ इंटेंसिटी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। अब जो लोग 10 साल तैयारी कर रहे हैं, उनका मतलब पता है क्या होता है? वो तैयारी भी एक नौकरी के तरीके कर रहे होते हैं। क्यों? तुम्हें छुट्टी में जाना है घर, तुम्हें होली में घर जाना है, दीपावली में तुम्हें घर वालों के साथ दीपावली मनानी है, बर्थडे में जाना है, सबके सब कुछ करना है तुम्हें। तो भैया ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे तुम नौकरी थोड़ा कर रहे हो कि तुमने एक लीव ले ली और चले गए तुम वैकेशन पे, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें फिर ज़्यादा तुम काम करोगे। तो इस वजह से अगर तुम लोग तैयारी करने उतरे हो और तुम देख रहे हो अपने आसपास कि यार ये तो धुरंधर सालों साल लगे, मत ध्यान दो किसी के ऊपर, तुम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। जितना ये आसपास का तुम भीड़ देख रहे हो, इसको भीड़ समझ के इग्नोर मारो, अपने ऊपर काम करो। जब भी तुम तैयारी करने उतरो, अपना माइंडसेट अच्छा रखो, दुनिया क्या कर रही है, भाड़ में जाए अपने क्या करना है। सीधी बात यह है कि आज के टाइम पर सेल्फीज नहीं हुए तो लोग चूतिया काट के निकल जाएंगे और तुम्हें बाद में छोड़ो, ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है मामला, ठीक है। तो हम तुमसे बस इतना समझाना चाहते हैं कि तुम कभी भी जब भी तैयारी करने बैठते हो तो ये सोच के मत किया करो तैयारी कि वो 6 साल से कर रहा है तो उसका हमसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वो 6 साल से कर रहा है उसका हमसे अच्छा हो जाएगा, तो वो 3 साल से कर रहा है, हाँ उसको कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं कि उसने सिलेबस 3 बार निपटा दिया है, लेकिन अगर उसने इतने बेनिफिट ले लिए होते तो अब तक एग्ज़ाम क्रैक कर चुका होता। इसका मतलब तुम अपने पथ पे जो चल रहे हो, तुम्हारा जो पाथ है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम मेरी बात छोड़ दो तुम यार, हम ये कह रहे हैं कि जो टॉपर निकले, अब कोई टॉपर बना है या फिर किसी ने कोई एग्ज़ाम निकाला है, उसके बाद उसको कितना समय लग रहा है दूसरे एग्ज़ाम के लिए, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टअप की बात कर रहे हैं कि पहली जॉब उसको कब मिली, ठीक है, पहली बार वो कब अपनी जॉब में सेलेक्ट हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उससे फर्स्ट से सेकेंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट पहुँचने की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैटर सिर्फ इतना करता है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है। अगर तुम इन लोगों को देख के डर रहे हो कि ये लोग यार 6-6 साल तैयारी कर रहे हैं, ये लोग तो फाड़ देंगे, तब तुम तैयारी मत करो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हें तो हर दूसरा आदमी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, हर दूसरा आदमी तुमसे बलवान नजर आएगा, और इस चक्कर में तुम छोटा अपने आप को करते जाओगे, फिर तुमसे एग्जाम तो क्या कुछ, एक तुम्हें चपरासी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी तैयारी करने उतरो, इस माइंडसेट के साथ उतरो कि तुम बिगनर जरूर हो, लेकिन तुम उस खेल में बराबर हो। रेस जब होगी, जब शुरुआत होगी, जब डंडा हटाया जाएगा, तो तुम भी उसी लाइन में खड़े होगे, वो भी उसी लाइन में खड़े होंगे, समझो मेरी बात को। बस तैयारी का फ़र्क है, तो तुमने थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर ली और उन्होंने क्या है भाई पुरानी रूटीन अपनाई कि पूरी पूरी किताबें ख़त्म करनी। तो अपने ऊपर काम करो, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, इस चीज़ पे फोकस मत करो कौन कितने साल से तैयारी कर रहा है। वो तैयारी जो 10 साल से कर रहे थे, वो 5 साल अभी और करेंगे, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।